जाफराबाद के सदर मकाम डेरा अलायार के कल्ब में वाक़े गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हाजी हुसैन बख्श गोला जिंदगी की तमाम तर सहूलियात से महरूम, इमारत खस्ता हाली का शिकार, तदरीसी अमल मुतासिर, तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। डेरा अलायार के वस्त में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हाजी हुसैन बख्श गोला जदीद दौर में भी जिंदगी की तमाम तर सहूलियात से महरूम, इमारत मनहदम होने के करीब, स्कूल में वॉशरूम की सहूलियत तक मैसर नहीं और ना ही पीने के लिए साफ पानी मौजूद है। तलबा अपनी मदद आप पीने के लिए पानी लाने पर मजबूर हैं। इस मौके पर तलबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2010 के तबाहकुन सैलाब के बाद मकामी इंतजामिया और मुख्तलिफ एनजीओज ने स्कूल के कई दौरे किए जो सब बेसूद साबित हुए। स्कूल की इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। इन्होंने मुतालबा किया है कि स्कूल की इमारत को जल्द तामीर किया जाए ताकि तलबा अपने तदरीसी अमल को जारी रख सकें। अस्सलाम वालेकुम, ये सरदार हुसैन बख्श स्कूल है, इसको तामीर किया जाए, जिनमें इनको पानी का सहूलत नहीं है, नाली का, ये वो, इसको मेहरबानी करके बनाया जाए। एहसान अहमद है, मैं 2010 से यहाँ पढ़ रहा हूँ। यहाँ किसी भी चीज़ का सहूलत नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, बैठने के लिए जगह भी नहीं है, बच्चे धूप पर बैठ रहे हैं और पेशाब के लिए भी जगह नहीं है। हम पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट से अपील है कि हमें एक बिल्डिंग चाहिए। कोई भी सहूलत नहीं है, ना ही को कुर्सी है, ना कुछ, एक दो कुर्सी हैं वो भी टूटे हुए हैं और पेशाब करने के लिए कोई लेटरिन वगैरह भी नहीं है, पानी पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। हमें हर किस्म की सहूलत दी जाए। कैमरा टीम के साथ इनायतुल्लाह होर, ऑनलाइन इंडस्ट्री टीवी, जाफराबाद।